इस वक्त की बड़ी खबर, भारत सरकार ने कनाडा से उच्चायुक्त और अन्य लक्षित राजनयिकों और अधिकारियों को वापस बुलाने का फैसला कर लिया है। विदेश मंत्रालय के बयान में कहा गया, ये रेखांकित किया गया कि उग्रवाद और हिंसा के माहौल में ट्रूडो सरकार के कार्यों ने उनकी सुरक्षा को खतरे में डाल दिया है। हमें उनकी सुरक्षा सुनिश्चित करने की वर्तमान कनाडाई सरकार की प्रतिबद्धता पर कोई भरोसा नहीं है, इसलिए भारत सरकार ने फैसला किया है उच्चायुक्त और अन्य लक्षित राजनयिकों और अधिकारियों को वापस बुला ले। इस वक्त की बड़ी खबर, भारत सरकार ने कनाडा से उच्चायुक्त और अन्य लक्षित राजनयिकों और अधिकारियों को वापस बुलाने का फैसला कर लिया है। विदेश मंत्रालय के बयान में कहा गया, ये रेखांकित किया गया कि उग्रवाद और हिंसा के माहौल में ट्रूडो सरकार के कार्यों ने उनकी सुरक्षा को खतरे में डाल दिया है। हमें उनकी सुरक्षा सुनिश्चित करने की वर्तमान कनाडाई सरकार की प्रतिबद्धता पर कोई भरोसा नहीं है, इसलिए भारत सरकार ने फैसला किया है उच्चायुक्त और अन्य लक्षित राजनयिकों और अधिकारियों को वापस बुला ले। इस वक्त की बड़ी खबर, भारत सरकार ने कनाडा से उच्चायुक्त और अन्य लक्षित राजनयिकों और अधिकारियों को वापस बुलाने का फैसला कर लिया है। विदेश मंत्रालय के बयान में कहा गया, ये रेखांकित किया गया कि उग्रवाद और हिंसा के माहौल में ट्रूडो सरकार के कार्यों ने उनकी सुरक्षा को खतरे में डाल दिया है। हमें उनकी सुरक्षा सुनिश्चित करने की वर्तमान कनाडाई सरकार की प्रतिबद्धता पर कोई भरोसा नहीं है, इसलिए भारत सरकार ने फैसला किया है उच्चायुक्त और अन्य लक्षित राजनयिकों और अधिकारियों को वापस बुला ले।